जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी राजा भैया। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है और आज हम सब लोगों के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। अध्यक्ष पद पर आप आसीन हैं। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस और अन्य सभी दलों के नेता जिन्होंने आपको शुभकामनाएं दी, उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं। एक लंबे समय से आपका कार्यकाल, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यक्षमता, आपका व्यवहार, आपका शिष्टाचार, ये देखने का सुअवसर मिला है। श्रीमान 29 वर्ष हो गए हैं हम लोग साथ साथ यहीं बैठे, तो इसमें आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नजर डालें, इसका मैं कोई औचित्य अभी नहीं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि ये विश्वास हर दल के नेता ने आप पे विश्वास किया है और सभी ने, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी नजर और अवसर की समानता, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। आज के दिन मैं आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा, जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं उनका भी इस सदन में स्वागत है। श्रीमान, अगर दलीय ये पहला ध्यान आकर्षण समझ लीजिए कि हम आपका कर रहे हैं, सलाह देने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के ऊपर संख्यावार आप जाएं, तो या तो आपके सहयोगी जीते हैं या तो आपके सहयोगी जीते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। तो बड़ी छोटी सी संख्या जिसमें मोना जी भी हैं, उमा शंकर जी भी हैं, जनसत्ता दल भी है, बहुत छोटी सी संख्या 5 सदस्यों की है, तो इधर भी आपकी कृपा दृष्टि रहे, इधर भी ध्यान आकर्षण रहे, यही मैं कहना चाहता हूं। और एक बार फिर इस गरिमामय पद के लिए आप सर्वथा उपयुक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी लोगों का पूरा विश्वास है, हम सभी लोगों का ये दृढ़ विश्वास है कि एक गौरवमयी कार्यकाल का शुभारंभ आज से हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। Thank you.